हेलो गाइस, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माइसेल्फ भागीरथ गिरी, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे मैप मेथड के बारे में। सो गाइस, एरे को मैप करने के लिए एरे मैप मेथड बनाया गया है। ईएस 6 में एक न्यू इंट्रोड्यूस मेथड है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो गाइस, एरे का ये जो मैप मेथड है उसका काम क्या है? उसका काम है एक न्यू एरे को प्रोड्यूस करना, एक न्यू एरे बनाना। किस तरह बनाता है ये न्यू एरे? तो जो पुराना एरे है उस एरे पर कुछ छोटे मोटे मैनिपुलेशंस करना, हो सकता है कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके क्या करेगा, एक नए एरे में डाल देगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ये क्या करेगा, 1, 4, 9 और 16 पर 2 से मल्टीप्लाई करके उनको नए एरे में डाल देगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बन जाएगा, 4 को 2 से करेगा तो 8 बन जाएगा, 9 को 2 से करेगा तो 18 बन जाएगा। इस तरीके से कोई भी आप ऑपरेशन करवा कर एक नया एरे बना सकते हो। और मैप क्या करता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक बार एक लूप चलाता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, और मैं क्या करूंगा। तो चलिए यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट और कोर्सेज का मैं एक एरे बनाने वाला हूँ, और ये कोर्सेज का जो एरे है इसमें कुछ कोर्सेज डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया PHP, फिर मैंने डाल दिया React.js, और फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ Angular.js, ये एंगुलर डाल दिया मैंने, और फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया सिंपली JavaScript। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, कुछ 4 एलिमेंट्स लिए हैं एक एरे के अंदर। आप चाहो तो कोई भी एक एरे ले सकते हो। देन मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी एलिमेंट्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लिस्ट के एक एरे में कन्वर्ट करने के लिए, यानी आपने जो HTML टैग्स देखे हैं उसमें ULLite जो टैग्स होते हैं उसको यूज करना है हमको। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नया एरे बनाऊंगा और न्यू कोर्सेस करके इस तरीके से इसका नाम रख देता हूँ। और सिंपली क्या करेंगे हम लोग, कोर्सेस वाले पर डॉट मैप चलाएंगे। ओके, तो कोर्सेस डॉट मैप, और मैप क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है। तो आपको यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए मैं एरो ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, और एरो की मदद से क्या करेंगे हम लोग, एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में आइडिया ना हो तो आपको मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, आप उससे एरो फंक्शन के बारे में आइडिया लगा सकते हो कि एरो फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब गाइज ये क्या करेगा, हर एक बार हमको क्या करेगा, एक कोर्स निकाल कर देगा। तो ये सिंपली यहाँ से पहले इस पे आएगा और एक कोर्स निकाल कर देगा। तो मैं उसको सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, और मुझे रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्निंग के लिए मुझे सिंपली इसको ULLite टैग्स के अंदर, यानी LI टैग्स के अंदर डालना है। तो चलिए तरीके से मैं इधर ले लेता हूँ, और वेरिएबल मेरा सी हो जाएगा, और इधर मैं डाल देता हूँ LI के अंदर। ओके गाइस, तो ये क्या करने वाला है, हमारा मैप मेथड सी के अंदर हर एक को स्टोर करेगा, और हर एक के लिए ये रिटर्न करके इस न्यू एरे के अंदर या न्यू कोर्स के अंदर डाल देगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल में लॉग करवा कर आपको दिखा देता हूँ, console.log। और console.log में हम लोग क्या करते हैं, इधर कोर्सेस फेच करवा देते हैं, और सिमिलरली इधर न्यू कोर्सेस जो मैंने बनाया है कह रहे उसको फेच करवा देते हैं। तो न्यू कोर्सेस, और अब इसको देखते हैं कि ये किस तरीके का आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, और आप देख सकते हो पहला ये एरे है जिसमें PHP, React.js, Angular और JavaScript लिखा हुआ है, और सेकेंड जो मेरा एरे है उसके अंदर ये हर एक के अंदर LI टैग लगा हुआ है। सो गाइज, इस तरीके से आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। सिंपली मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक कांस्टेंट बना देता हूँ सीरीज का। ओके, तो ये हो गया मेरा एक कांस्टेंट सीरीज का, और उसमें 1, 2, 3, 4 मैं 10 तक की पूरी काउंटिंग ले लेता हूँ। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये काउंटिंग जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो यूजर मुझे सपोज कोई भी एक नंबर देगा, तो यूजर ने एक नंबर दिया, तो नंबर दे दिया यूजर ने 5, और 5 की टेबल प्रिंट करवानी है। तो बहुत आसान सा है, आप क्या करोगे, एक नया एरे बना दोगे इधर, तो कॉन्स्ट और टेबल नाम का एक एरे बना देता हूँ मैं। इस पे क्या करूंगा, सीरीज डॉट मैप करवा दूंगा, यानी जो सीरीज मेरी है उसको मैप करूंगा। और मैप करते टाइम हम क्या करेंगे, एरो का यूज करने वाले हैं। तो ये एरो फंक्शन हो गया, और एरो फंक्शन में आप क्या करोगे, एक सिंपल सा एक आर्ग्यूमेंट लोगे। तो आपने क्या किया, सीरीज में से एक नंबर आया तो आपने उसको एस मान लिया, और रिटर्निंग के लिए आप क्या चाहते हो, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना चाहते हो। तो सीरीज इंटू 5, यानी जो नंबर में स्टोर है उसको मल्टीप्लाई। अब हो सकता है कि वो कुछ और भी हो। अब गाइस ये तरीका है, जब आप सिंगल वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तब आपको रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की और कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर यूजर ने 5 डाला था, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल प्रिंट हो जाएगी किसकी, 5 की। ओके, तो इधर कंसोल में लॉग करके देख लेते हैं, console.log, और टेबल मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो चलिए रिफ्रेश किया मैंने, और आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी मेरे पास 5 की टेबल आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर अगर 15 करके रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली 15 की टेबल देगा। तो इस तरीके से आप एरे मैप का यूज कर सकते हो। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो मैप मेथड है उसका सिंपल सा काम है कि एरे के हर एक एलिमेंट को उठाना
उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नए एरे में डाल देना। सो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।